ये आवाज सावन के महीने की पहचान का पर्याय सा बन गई है। इस महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य शिव की पूजा के उद्देश्य से हरिद्वार, ऋषिकेश आदि जगह से गंगा का जल कांवड़ के रूप में लेकर आते हैं और रास्ते में बम बम बोलते आते हैं। इस जल को अपने आसपास के शिव मंदिर में अर्पित किया जाता है और इस प्रकार साल भर के लिए शिव भगत अपनी आध्यात्मिक क्रिया को पूर्ण मानकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में कांवड़ का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि कांवड़ियों की अधिकता को देखकर परिवहन के मार्गों को भी बदलना पड़ता है। कांवड़ियों की संख्या हजारों से लाखों में पहुंच गई है। फिर क्या कारण है कि इतनी तेजी से बढ़ती इस आध्यात्मिक क्रिया के बावजूद भी समाज में मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है? हर प्रकार का व्यसन बढ़ रहा है। आपसी संबंधों में विच्छेद की घटनाएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। कांवड़ियों के व्यवहार की भी आपसी लड़ाई की घटना हर वर्ष समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। ये किस प्रकार की भक्ति है जो हमारे अंदर मानवता स्थापित नहीं कर पाती, जो हमें हिंसक बनाती है व जो हमारे व्यसनों को समाप्त नहीं कर पाती? बहुत से कांवड़ियों को भी यात्रा के दौरान व्यसन करते पाया गया है। ताजुब की बात ये है कि कुछ नशेड़ी लोगों ने भी नशे का समर्थन भी भगवान शिव के बारे में ये भ्रांति फैलाकर किया है कि वो भी भांग पीते हैं व धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करते हुए कि शिव की फोटो भी आम समाज में प्रचलित कर दी। प्रिय दर्शकों, इन बातों के साथ हम अपने सदग्रंथों के प्रकाश में यह भी देखेंगे कि क्या यह शिव भक्ति का कोई प्रमाणित मार्ग है? क्या किसी सदग्रंथ में इस क्रिया का समर्थन है? यहाँ हमें यह जानने की जरूरत है कि सदग्रंथ का अर्थ प्रभु दत्त ज्ञान से है, जैसे वेद, गीता आदि। इसके अलावा पुराण आदि ऋषियों का अपना अनुभव है, उनका वही ज्ञान हमें मान्य होना चाहिए जो प्रभु दत्त ज्ञान का समर्थन करते हैं। वेद, गीता जी आदि में प्रभु का आदेश है और उससे हटकर यदि हम लोक परंपरा या किसी के कहने भर से अपनी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं तो वह प्रभु के आदेश का अपमान करने वाला ही है। और जब कांवड़ लाने का निर्देश किसी सदग्रंथ में है ही नहीं तो क्या ऐसा करना प्रभु आदेश का उल्लंघन नहीं है? नकली भ्रमित लोगों द्वारा अपनी अज्ञानता के कारण वेशक समाज में इस क्रिया के महत्तम को पेश किया गया हो, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध क्रिया करने से कोई आध्यात्मिक लाभ होने वाला नहीं है। तो फिर कांवड़ लाने से भक्ति लाभ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कांवड़ लाने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से वह वर्षों पहले हुई नीलकंठ की दुखद घटना भी इस तरफ संकेत करती है कि यह एक निरर्थक आध्यात्मिक प्रयास है। भक्ति की क्या विधि है जिससे हम आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं? इसका विवरण अपने सदग्रंथों में दिया हुआ है और हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हम पढ़े लिखे होकर भी अंधविश्वासी व रूढ़िवादी न बने। आपके दिमाग में हजारों प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं कि ये क्रिया तो बहुत पुरानी है, तो क्या सभी अनजान थे? क्या किसी को भी ज्ञान नहीं था अपने सदग्रंथों का? इस विषय में हम कुछ कहें इससे पहले जरूरी है कि आप खुद रूबरू हों अपने मूल सदग्रंथों से, वेदों से और गीता से। जहाँ भक्ति की चर्चा होती है वहाँ विनम्रता होती है, विवेक होता है, वहाँ पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए आप इस विषय पर बहुत ही धैर्य से, विवेक से गहन विचार करें। संत रामपाल जी अपने प्रवचनों में प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें अपने सदग्रंथों से रूबरू करते हैं व प्रमाण सहित भगवान शिव की स्थिति व वास्तविक भक्ति व भगवान का परिचय करवाते हैं। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी इस भक्ति क्रिया के बारे में क्या कहते हैं। और सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव जावे रत रगत भैया। कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लेनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चल रहे, गंगा का पानी जल, नंगे पैर बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ के ज्यादातर पैदल ज्यादा आते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं, एक कोड वर्ड होता है। जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जाकर ही नहीं देखे और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं, तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर
सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफर करे सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहां से पैदल चलो गंगा से हरिद्वार से और अपने अपने घर तक आओ, तो उसमें कितने जीवन के पैर तल मरे वो सारे उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पाया गंगा जल ले काम हो वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है, और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते बम 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 बम, अब न कोई नो कहनी है बम बम का नाम भी बुंडा, और वो मानने इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं। और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चल आगे ने, और बेबेर ने कहेंगे ए बोली चल आगे, इन नो नहीं बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो अपने कम्यो आप बोला बन रहे बेबेर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में कति माइनस जीरो में पहुंच गए। अब इस माइनस जीरो से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा, ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमा खूपी में बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव ध्यावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाने हम सतगुरु में टेलू जाने, ये दस नामी दया नहीं जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, और पार ब्रह्म से परचे नाही शिव करता ठहरावे हैं। कहते हैं ये दस नामी लाल कपड़े पहन के संत बने फिरे हैं, और ये पार ब्रह्म से तो परिचित नहीं सतपुरुष से, और शिव को भगवान बतावे हैं, यही सबका सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय काल जय।